बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊँगा आबे हयात की रियलिटी, और आबे हयात क्या वाकई दुनिया में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो इस वक्त कहाँ है और हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके मुतालिक सबसे पहले आपको ये मेरा पूरा वीडियो वॉच करना होगा, क्योंकि अगर ये कहानी आप नहीं समझ पाए और इस कहानी को नहीं देख पाए और अच्छे से सुन नहीं पाए तो आप आबे हयात तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये वाकया है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी का। ये आबे हयात की कहानी जो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से जुड़ी है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, और जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक आने वाले वीडियो की मालूमात आप तक डायरेक्ट हम फराहम कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी का सफ़र। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में फ़रमाया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम बिलिया बिन मकान और कनियत अबुल अब्बास तहरीर है। एक कौल है कि आप बनी इसराइल में से हैं, एक कौल है कि आप शहज़ादे हैं। आपने दुनिया तर्क करके जाहिद इख्तियार फरमाया। आप वली तो बिल यकीन हैं, आप नबूवत में इख्तलाफ है, आपकी नबूवत में इख्तलाफ है। ये फरमाते हैं हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। आपके लकब खिज़र की वजह अहदीस में ये बयान की जाती है कि आप जहाँ बैठते या नमाज पढ़ते हैं वहाँ अगर घास खुश्क हो तो सर सब्ज हो जाती है। आपका ज़माना ज़ुल्करनैन बादशाह का ज़माना है, ज़ुल्करनैन ने जिनका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरा कहफ में है। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। इन्होंने इस्कंदरिया मुल्क बनाया और इसका नाम अपने नाम पर रखा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर थे। दुनिया में ऐसे चार बादशाह हुए हैं जो तमाम दुनिया पर हुक्मरान थे। इन में से दो तो मोमिन थे और दो जो थे वो काफिर थे। हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो मोमिन थे, और जो दो काफिर थे, एक नमरूद था और एक बख्त नसर, और एक पांचवें बादशाह इस उम्मत से होने वाले हैं जिनका इसमें मुबारक हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इनकी हकूमत तमाम रोए ज़मीन पर होगी। ज़ुल्करनैन की नबूवत में इख्तलाफ है। मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि मैं नबी न थे। मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि वो नबी न थे। यानी किन के मुतालिक फरमा रहे हैं? ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा रहे हैं। ना नबी थे ना फरिश्ते थे, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे थे। अल्लाह ने इन्हें अपने महबूब बना लिया था। इंसान को जिस चीज़ की हाजत और ज़रूरत होती है, और जो कुछ बादशाहों को ममालिक फतह करने और सल्तनत को वसी करने और फैलाने में चाहिए होता है, वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता किया था। ज़ुल्करनैन ने किताबों में देखा था कि औलाद साम में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा और इसको मौत ना आएगी। ये देखकर वो चश्मा हयात की तलाश में मगरिब की तरफ रवाना हुए, और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो चश्मा हयात तक पहुंच गए और इन्होंने पानी पी भी लिया, मगर ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में ना था। इन्होंने ना पिया। इस सफ़र में जानिब मगरब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी है वो सारा फासला तय कर लिया, और वहाँ पहुँचे जहाँ आबादी का नामो निशान भी ना था। वहाँ इन्हें सूरज गुरूब के वक़्त ऐसा नज़र आया गोया कि वो सिया चश्मे में डूबता है, जैसा कि समुंदर में सफ़र करने वालों को डूबता नज़र आता है। किससुल अंबिया में ये वाक़ इस तरह लिखा है, ज़ुल्करनैन ने उलमा और हुक्मा से पूछा कि तुमने किसी किताब में देखा है कि कोई ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से उम्र इतनी लंबी हो जाए कि आदमी तसव्वुर भी ना कर सके, या ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आदमी को मौत ना आए। इनमें से एक हकीम ने अर्ज़ किया कि हजूर, मैंने एक पुरानी यानी कदीम किताब वसीयत नामा आदम में लिखा देखा है कि अल्लाह ताला ने एक चश्मा आबे हयात को कहफ में पैदा किया है।
इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा, मक्खन से नरम और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। जो इसको पिएगा इसको मौत ना आएगी और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इस पानी का नाम आबे हयात है। ये सुनकर ज़ुल्करनैन के शौक में इजाफा हुआ। इन्होंने उलमा से कहा कि आप भी हमारे साथ चलें और पूछा, ज़रा ये तो बताएं कि सवारी के लिए सबसे अच्छा चुस्त तो चालाक जानवर कौन सा होता है। वो बोले, ऐसी अच्छी नस्ल की घोड़ी जिसने बचाना जाना हो। चनाचा ज़ुल्करनैन ने 1000 घोड़ियाँ मंगवाई और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को सबसे आगे किया, यानि रहबर बनाया। रहबर कहते हैं दोस्तों जो रास्ता दिखाएगा और जो रास्ते के आगे जो शख्स भी मतलब किसी सफ़र के ऊपर निकलता है, जो आगे रहकर रास्ते की रहनुमाई करता है, उसे रहबर कहते हैं। फिर उलमा और हुक्मा से पूछा कि वहाँ पहुँचने के बाद अगर इस जगह जैसा कोई अगर वहाँ पहुँचने के बाद अगर इस जगह जैसा कि उलमा ने बताया था अंधेरा हुआ तो क्या करेंगे। हुक्मा और उलमा ने कहा कि ऐसा करें कि शाही खजाने से लाल व गोहर ले लें, अगर अंधेरा हुआ तो इसकी रोशनी में आगे बढ़ेंगे। गरज एक कीमती लाल जो अंधेरे में रोशन हो जाता था लिया गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले किया। तख्त व ताज और सल्तनत मुलाजमों में से एक अक्लमंद और दानव मुलाजम को सुपुर्द करके 12 साल के वादे से इससे रुखसत हुए। जब कोहे काफ पहुँचे रास्ता भूल कर इस जगह 1 साल तक परेशान व सरगर्दां रहे और इसी असना में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लश्कर से जुदा होकर अंधेरे इलाके में जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच सकती थी भटक गए। फिर ख्याल आया तो इस लाल को जेब से निकाल कर ज़मीन पर रख दिया। इसकी रोशनी से अंधेरा दूर हो गया और अल्लाह की करम नवाजी से चश्मा आब हयात का इनको नज़र आ गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वज़ू करके आब हयात पी लिया और खुदा का शुक्र बजा लाए। चनाचा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज हुई। फिर वहाँ से निकल कर आए तो एक और अंधेरी जगह पहुँच गए तो दोबारा इस लाल को निकाल कर ज़मीन पर रखा, जिससे अंधेरा दूर हो गया। जो लश्कर के लोग अंधेरे में थे तमाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गए। इस सफ़र में नाकामी के बाद ज़ुल्करनैन ने तमाम लश्कर को अपने पास से रुखसत किया। ज़ुल्करनैन वहीं रह गए और इबादत में मशगूल हो गए। चंद दिनों के बाद इंतकाल किया और वहीं मदफून हुए, यानि वहीं पर उनको दफनाया गया। इस वाक़े से पता चलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा की ज़िंदगी अता हो गई थी। वो इसके बाद हमेशा ज़िंदा रहेंगे, यानि क़यामत जब तक नहीं आएगी तब तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखा जाएगा। लेकिन तहरीक़ या अहदीस में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता जिससे ये साबित हो कि आपके साथ ज़ुल्करनैन के बाद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े तक, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है, क्या बीती या आप क्या करते रहे। जैसा कि मशहूर है कि आप भटके हुए लोगों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं और परेशान हालों की मदद करते हैं। अलबत्त मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने और फिरौन के गर्क होने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तालीम देने के लिए हुक्म में खुदावंदी होने का वाक़या कुरान मजीद में तफसील से मज़कूर है, जिसकी तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बड़ी तफसील से बयान की है। क़िससुल अंबिया और तफसीर खज़ाइनुल अरफ़ान और बुखारी शरीफ व मुस्लिम शरीफ में मुख्तसर व मुफसल कई जगह वाक़या मौजूद है। रवायात है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन महफिल वाज में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने आकर दरियाफ्त किया कि कोई शख्स इस वक्त दुनिया में आपसे ज़्यादा भी इलम वाला है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई नहीं, क्योंकि तौरात शरीफ जो इस ज़माने में 40 ऊँटों पर लादी जाती थी आपको ज़ुबानी याद थी। फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ़ भी अता हुआ था। इस वक्त जब आपने ये इरशाद फरमाया कि मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजल फरमाई और फरमाया, ए मूसा, तू ऐसा ख्याल मत कर कि तुझसा कोई नहीं, मेरे कई बंदे तुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं और तुझको क्या मालूम मैंने मखलूक में किसको ज़्यादा इल्म दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इलाही, मैं तेरे इस बंदे से कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो मजमा अल बहरीन के पास एक मैदान में रहते हैं, इनका काम गुमराह हूँ
और भटके हुओं को राह दिखाना है, बल्कि और भी कई काम हैं। इनका नाम खिजर है। मजमाल बहरीन, बहरे फारस और बहिरा रूम में मशरक की जानब इस जगह का नाम है जहां दोनों समुंदर मिलते हैं। तुम एक खादम को साथ लेकर मजमाल बहरीन पर एक भुनी हुई मछली लेकर चले जाओ, जहां वो मछली ज़िंदा हो जाएगी वहीं मेरे इस बंदे खिजर से तुम्हारी मुलाकात होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ यूशा बिन नून को लिया। ये अक्सर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत व सोहबत में रहते थे, आपसे इलम सीखते और आपके बाद आपके नायब हुए। ये आपके भांजे भी थे। हज़रत यूशा बिन नून को साथ लेकर मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात को चले। आपके साथ एक थैली भी थी जिसमें एक थैली हुई नमकीन मछली रखी हुई थी आपने यूशा बिन नून से कहा, मुझको मजमाल बहरीन पर जाना है, जब तक वहाँ ना पहुँच जाऊँ सफ़र ख़त्म ना करूँगा, चाहे कितना वक़्त क्यों ना लगे। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम, कुरान मजीद इस गुफ्तगू को यूं बयान फरमाता है, तर्जमा है, और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा है, बाज न रहूँगा जब तक वहाँ ना पहुँचूँ जहाँ दो समुंदर मिलते हैं, या करनू चला जाऊँ। ये कुरान पाक की आयत है, यानी चलता चला जाऊँ गा ख्वाह कितनी ही मुद्दत क्यों ना लगे। फिर जब वो दोनों इन समुंदरों के मिलने की जगह पहुँचे जहाँ एक पत्थर की चट्टान थी और चश्मा हयात था, तो वहाँ दोनों ने आराम किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महू ख्वाब हो गए। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत यूशा बिन नून ने वज़ू किया तो एक कतरा पानी का इनकी उंगली से इस मछली पर टपका। फौरन वो मछली ज़िंदा हो गई और तड़प तड़प कर दरिया में गिरी। इस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद हज़रत यूशा बिन नून ने नून को याद न रहा कि वो ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि दूसरे रोज़ खाने का वक़्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा बिन नून से कहा कि हमारा सुबह का खाना लाओ, बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर थकान भी तारी और भूख भी, और ये बात जब तक मजमा बहरीन तक ना पहुँचे थे पेश ना आई थी। मंजिल मकसूद से आगे बढ़कर थकान मालूम हुई, इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि मछली याद करें और इसकी तलब में मंजिल मकसूद की तरफ वापस हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मछली मांगने पर खादम ने माजरत पेश की और अर्ज़ किया कि मुझे शैतान ने भुला दिया कि मैं इसका जिक्र आपसे करूँ, वो अजीब तरीके से ज़िंदा होकर समुंदर में चली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे, यानी मछली का जाना ही तो हमारी हसूल मकसद की अलामत है, और जिनकी तलब में हम चले हैं इनकी मुलाकात वहीं होगी। हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम फिर दोनों अपने पैरों के निशानात देखते हुए वापस पलटे और इस जगह पहुँचे जहाँ मछली ज़िंदा हुई थी। देखा कि पानी मछली के चारों तरफ बड़े ज़ोर शोर से बह रहा है, मगर जहाँ मछली मौजूद है इसके इर्द गिर्द रुका हुआ है, जैसे शीशे के डब्बे में बंद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझको यही जगह हज़रत खिजर से मुलाकात के लिए बताई गई थी, यहीं आसपास कहीं ना कहीं हज़रत खिजर मौजूद होंगे। यह कहकर आप हज़रत खिजर को तलाश करने लगे। समुंदर में किसी कदर दूर जाकर एक छोटा सा जजीरा नज़र आया। इस जजीरे में पहुँचे तो देखा कि दूर कोई शख्स सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है। आप करीब पहुँचे और इन्हें सलाम किया। इन्होंने जवाब दिया और कहा, इस सरजमीन पर सलाम करने वाला कौन आ गया? आपने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपसे बाज़ वो इल्म सीखने आया हूँ जो मुझको मालूम नहीं, यानी मैं आपसे वो इल्म सीखने आया हूँ जो मुझको इल्म नहीं है।
इसी असना में एक समुद्री परिंदा उड़ता हुआ आया और पानी में चूंज मारकर एक कतरा पानी चूंज में लेकर चला। हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने तौर पर समझते हो कि मैं इल्म में सबसे ज़्यादा हूँ, हालांकि इंसान का अव्वल आखिर बातिन और ज़ाहिर इल्म, बातनी और ज़ाहरी इल्म अल्लाह के नज़दीक इससे भी कमतर है जितना कि यह परिंदा अपनी चोंच में एक कतरा पानी उठाकर ले गया है। और वो पानी का कतरा समुंदर के नज़दीक क्या चीज़ है? कुछ नहीं। ऐसा ही हमारा तुम्हारा इल्म अल्लाह के नज़दीक है। दरअसल अल्लाह ताला को तुम्हारी तरबियत मकसूद थी। और ये भी सच है कि अल्लाह का अता करता एक इल्म मुझको है, तुमको नहीं, और एक इल्म यानि तौरात का इल्म तुमको है, मुझको नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका तर्जमा ये है, इससे मूसा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम है। इस पर खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब और तवाज़े से मालूम हुआ कि आदमी को इल्म की तलब में रहना चाहिए, ख्वाह कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, और जिससे इल्म सीखे इससे नहायत अदब व एहतराम से पेश आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हसूल इल्म से मुतालिक सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सब्र ना कर सकेंगे, चूँकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने इल्म और कमाल की वजह से ये जानते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का काम शरीयत खुदावंदी की पाबंदी करना और ज़ाहिर शरीयत और अहकाम खुदावंदी के ख़िलाफ़ करने वालों पर सख्ती से रोकना है। अगर मुझसे कोई बात ज़ाहरी शरीयत के ख़िलाफ़ देखेंगे तो नामुमकिन है कि वह नबी होने के नाते खिलाफ शरीयत अमूर पर सब्र करें, इसलिए फरमाया कि आप सब्र ना कर सकेंगे। हदीस शरीफ में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि एक इलम अल्लाह ताला ने मुझको ऐसा अता फरमाया है जिसको आप नहीं जानते, और एक इलम आपको ऐसा अता फरमाया है जो मैं नहीं जानता। मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो इल्म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने लिए ख़ास फरमाया वो इल्म बातिन और मुकाशफा है, और अहले कमाल के लिए ये बाइस फ़ज़ल है। चनाचे हदीस शरीफ में आया है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन पर इस वजह से फजीलत नहीं कि इनकी नमाजें और इनके अमाल दूसरे सहाबा से ज़्यादा हैं, बल्कि इनकी वजह से दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पर फजीलत है कि इनका सीना मारफ इलाही का गंजीना है, यानी इनके पास इल्म बातिन व इल्म इसरार है, और इन अलूम के होने से इनसे जो अमाल सादिर होंगे वो हिकमत से होंगे। अगरचे बज़ाहिर खिलाफ मालूम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुन कर के आप सब्र नहीं कर सकेंगे, फरमाया, चूँकि मैं चाहता हूँ कि आपसे इल्म हासिल करूँ और अल्लाह ताला को हुक्म भी यही है, तो मैं तमाम मामलात में सब्र करूँगा, बल्कि यूँ कहा कि अल्लाह ने चाहा तो मुझे साबिर पाओ। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप मेरे साथ रहते रहें तो मुझसे किसी बात का मत पूछिएगा जब तक मैं खुद इसका ज़िक्र ना करूं। ज़रा गौर करें, इल्म ज़ाहिर की शुरुआत ही क्यों से होती है, अब यहाँ इल्म बातिन और इल्म लदनी की तदरीस का मामला है तो कहा जा रहा है क्यों ना करना, माने इल्म बातिन शुरू ही फरमा बरदारी से होते हैं। चूँ चुरा का सवाल ही नहीं, ये तसव्वुफ़ का एक अहम नुक्ता है जो यहाँ तालीम फरमाया जा रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि इल्म बातनी का हसूल चाहते थे और इनकी तहसील को खुदा का हुक्म समझते थे, और चूँकि वो खिज़र अलैहिस्सलाम को उस्ताद की हैसियत से तस्लीम कर चुके थे, इसलिए आपने हज़रत यूशा बिन नून के साथ ये शर्त कबूल की और दोनों ने सफ़र शुरू किया। दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे कि एक किश्ती पर नज़र पड़ी जो किनारे से दूर निकल गई थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने किश्ती चलाने वालों को आवाज़ दी। किश्ती चलाने वाले मल्ला गरीब आदमी थे। आवाज़ सुनकर किश्ती लौटा लाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तीन आदमी हैं, फलां जगह जाना चाहते हैं, जो किराया होगा हम अदा कर देंगे। किश्ती वालों ने जब इन नूरानी सूरतों को देखा तो अर्ज़ करने लगे कि आपका हमारी किश्ती में सफ़र करना ही हमारे लिए बायस शहादत और बरकत है, हमें किराए की नहीं बल्कि आपकी दुआओं की ज़रूरत है। यूं इन तीनों को किश्ती में मुफ्त सवार करा लिया। जब किश्ती मुल्क रोम के एक छोटे बादशाह जलंदी के मुल्क की सरहद के करीब पहुंची, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी से इसके याक या दो तख्ते ख्वार डाले।
लेकिन तोड़ने के बावजूद इस किश्ती में पानी नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो आपको जलाल आ गया। वो बिल्कुल भूल गए कि इब्तदाए सफ़र में इन्होंने खिज़र से क्या वादा किया था। कहने लगे, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, क्या इतने लोगों को डुबोने का इरादा है जो तुमने किश्ती से तख्ते निकाल दिए, जबकि किश्ती के मालकों ने हमारे साथ हमदर्दी और भलाई की है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहेंगे तो सब्र कीजिएगा। दरअसल आप मेरे साथ नहीं रह सकते। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया और आपका जलाल फ़ौरन ख़त्म हो गया और आप नादिम हुए यानि नदामत शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि मुझसे भूल हुई जो मैंने आपके काम पर एतराज़ किया, क्योंकि भूल पर शरीयत में गिरफ्त नहीं। इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी दरगुज़र से काम लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ रखा। फिर किश्ती किनारे पर आ लगी और ये तीनों किनारे पर चलते हुए एक शहर के करीब पहुँचे। वहाँ एक मुकाम से गुज़र हुआ जहाँ लड़के खेल रहे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनमें से एक नौ उम्र लड़के को पकड़कर ज़मीन पर लिटा दिया और बग़ैर किसी जहरी वजह से चाकू से इसके सर को गर्दन से जुदा करके इसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे और नबी का काम बुरे कामों पर लोगों को टोकना और मना करना होता है, लिहाजा आप एक गलत काम बल्कि एक जुल्म होते ना देख सके और पुकार उठे, ए खिज़र, क्या करते हो, एक ऐसे लड़के का खून कर दिया जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। दोबारा इस वादे खिलाफी को देखकर हज़रत खिज़र ने फरमाया, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि एक मरतबा कह चुके थे कि भूल होगी, लिहाजा इस दफ़ा ये तो ना कहा कि भूल होगी बल्कि यूँ कहा कि खैर अब तो गलती हो गई, आइंदा अगर मैं आपको टोकूँ तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह कौल मंजूर किया और आगे बढ़े। हत्ता के दोपहर का वक़्त हो गया, सबको भूख महसूस हुई तो एक शहर अंताकिया पहुँचे। वहाँ देखा कि लोग खुशहाल हैं, मकान अच्छे हैं और शहर की ज़ाहरी हालत से पता चलता था कि वहाँ माल की रेल पेल है। ये तीनों कई ऐसी जगहों पर गए जहाँ लोग जमा थे और ख़ुद को मुसाफिर जाहिर करके फरमाया कि हम भूखे हैं, कोई हमें खाना खिला दे। मगर वहाँ के बाशिंदे इतने कंजूस थे कि किसी ने भी इनका ख्याल ना किया। ये तीनों घूम फिर कर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ इन्होंने देखा कि एक बोसीदा दीवार गिरने वाली है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार की मरम्मत कर दी और इसको इस तरह कर दिया कि वो अब बरसों से नहीं गिर सकती थी। गोया कि ये कोई नाजायज़ और गैर शरी काम न था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरा कि आप एक ऐसे शहर में जहाँ लोगों ने हमें खाने तक का ना पूछा और बेमरोती और बदअखलाकी से पेश आए, वहाँ की एक दीवार बग़ैर उजरत के दुरुस्त कर दो। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज़र, जिस शहर के लोग इतने बेमरवत और बदअखलाक हों कि मुसाफिरों को खाने तक के लिए ना पूछें, अगर इनका कोई काम करना ही था तो आप उजरत ठहरा लेते कि अपने खाने पीने ही का बंदोबस्त हो जाता। चूँकि यह तीसरा एतराज़ था इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी हमारी क्या बात तय हुई कि अगर आप मेरे किसी काम पर एतराज़ करेंगे तो बस आइंदा हमारा साथ रहना मुश्किल होगा, लिहाजा अब हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने चूँकि ये शर्त खुद रखी थी कि आइंदा अगर मैं बोलूँ तो आपको हक है कि मुझे साथ न रखें, इसलिए कुछ ना कह सके। हाँ, ये ज़रूर कहा कि ठीक है, आप जाते हैं जाएं, मगर ये जो तीन वाक़ियात आपके सफ़र में देखे, किश्ती का तोड़ना, बच्चे का कत्ल करना और दीवार की बग़ैर उजरत की मरम्मत करना, इन वाक़ियात के बातनी कैफियत और हकीकत से तो आगाह करते जाएं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है तो फिर सुनिए कि जिस किश्ती में आप सवार हुए थे वो 10 भाइयों की मलकियत थी, जिनमें 5 तो अपाइज और माजूर थे जो कुछ नहीं कर सकते थे और 5 तंदुरुस्त थे लेकिन थे गरीब और मफलूक, और मफलूकुल हलाल। वापसी में इन्हें एक मुल्क की सरहदों के करीब से गुजरना था जहाँ जलंदी नाम का बादशाह हुकूमत करता है। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि समुंदर से अच्छी और चलती हुई हालत वाली किश्तियों पर कब्ज़ा कर लो और बहक़ सरकार जब्त कर लो। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर ये बातें मुनकशफ फरमा दी थी, लिहाजा मैंने किश्ती को तोड़ दिया। इस तदबीर से किश्ती इन जालमों के हाथ से बच गई और तोड़ने से डूबी भी नहीं। यूँ इन गरीबों की कमाई का वाहिद सहारा महफूज रहा और वो लड़का जिसको मैंने कत्ल किया
और आपने इसके कत्ल पर जलाल का इजहार किया। ये अजली तौर पर काफिर था, यानी इसकी पैदाइश, तबीयत और खलकत ही में कुफर का गलबा रख दिया था। वो अगर ज़िंदा होकर बालिग होता तो काफिर ही होता और ऐसे काम करता जिनसे खुद गुमराह होता और साथ साथ अपने मोमिन वालदेन को भी अपने गुनाह में शरीक करके आखिर काफिर बनाकर छोड़ता। मैंने बातिन का हाल मालूम करके इसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला को मंजूर था कि लड़के के वालदेन का ईमान भी सलामत रहे और इस लड़के के बदले अल्लाह ताला इनको एक बेटी अता फरमाएगा जो इनके लिए बड़ी बरकतों वाली हो। एक किताब में कौल है कि अल्लाह ताला ने इस लड़के के बदले इसके वालदेन को एक बेटी अता फरमाई जो एक नबी के निकाह में आई और इससे कई नबी पैदा हुए जिनके हाथ पर अल्लाह ताला ने एक उम्मत को हिदायत दी। फिर आखिरी बात के बखैर शहर वालों की दीवार बगैर मुआवजे और उजरत के मैंने मरम्मत की तो आपने नाराज़गी का इजहार किया। तो सुनिए कि ये दो यतीम बच्चों इसराम और सरीम की मलकियत थी जिनके मोमिन माँ बाप ने अपनी हलाल रोज़ी से कुछ माल जमा करके बच्चों के लिए दीवार के नीचे दफन कर दिया था कि बड़े होने पर इनके काम आएगी। अगर इस वक्त ये दीवार गिर जाती तो बच्चे चूँकि अभी छोटे थे इन्हें कुछ ना मिलता और इनके अजीज़ वकारब सब माल और दौलत हजम कर जाते। लिहाजा अल्लाह ताला ने बच्चों के हाल पर रहम फरमा कर ये चाहा कि हमारे नेक बंदे की मेहनत की कमाई ज़ाया ना हो और जब ये बच्चे बालिग हो जाएं तो चाहे खुद निकाल लें या ये दीवार खुद गिर जाए जिससे खजाना ज़ाहिर हो और इनकी मसरूफ़ में आ जाए। तिरमिज़ी शरीफ में है इस दीवार के नीचे सोना चांदी मदफून था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसमें एक सोने की तख्ती भी थी, इस पर एक तरफ लिखा था इसका हाल अजीब है जो कज़ा व कदर का यकीन रखे, इसको गुस्सा कैसे आता है, इसका हाल अजीब है जिसे रिज़्क़ का यकीन हो वो क्यों परेशानी में पड़ता है, इसका हाल अजीब है जिसे हिसाब का यकीन हो वो कैसे गाफिल रहता है, इसका हाल अजीब है जिसको दुनिया के ज़वाल व तगीर का यकीन हो वो कैसे मुतमईन होता है। और इसके साथ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी जानब इस पर लुह पर लिखा था मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं यकता हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं, मैंने खैर और शर पैदा किए, इसके लिए खुशी है जिसे मैंने खैर के लिए पैदा किया और इसके हाथों पर खैर जारी किया, और इसके लिए तबाही है जिसको शर के लिए पैदा किया और इसके हाथों शर जारी किया। तफसीर खजानल इरफान में है कि इन बच्चों के बाप का नाम काशिह था और ये शख्स परहेजगार था। हज़रत मोहम्मद इब्ने मुकंदर ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की नेकी से इसकी औलाद को और इसकी औलाद की औलाद को और इसके कुंबे वालों को और इसके मोहल्ले वालों को अपनी हिफाजत में रखता है। इन बातों को देखने और सुनने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से रुखसत होने लगे और कहा कि कुछ नसीहत फरमाएं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया तबस्सुम की तरह हंसना कह के ना मांगना, यानी तबस्सुम की तरह हो गया मुस्कराना दोस्तों और कह के ना मारना मीन्स हो गया कि जिस तरह हम यानी ऊंची आवाज़ में हंसते हैं, तो बिला हाजत किसी शय की तलब ना करना, दूसरों की गलतियों पर ताना ना देना, अपने ख़ताओं पर रोना। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में तशरीफ़ ले आए और अपने फ़राइज़ रिसालत व नबूवत में मसरूफ़ हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 120 बरस की उम्र में वफात पाई तो यूशा अलैहिस्सलाम ने इनके कायम मुकाम होकर लोगों की इस्लाह के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू किया। बाज़ लोग इस किस्से को बुनियाद बनाकर वली को नबी पर फजीलत देते हैं जो सरासर गुमराही है। वो ख्याल करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया है, इसके बावजूद कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं और दर हकीकत वली को नबी पर फजीलत देना कुफ्र है। और अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में आजमाइश और इम्तिहान है। बात दरअसल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के पाबंद नहायत आला मरतबे के रसूल बरहक
नबी और अल्लाह के कलीम हैं। आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाकर अपने ज़ाहिरी और बातनी इल्मी ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमाई थी। अगर कोई कैसे ही दर्जे पर पहुँच जाए फिर भी अल्लाह के सामने इसके अलावा नाकस है। हाँ, जिसे अल्लाह अपना हबीब फरमा कर तमाम आलूम अता कर दे फिर इसकी क्या बात है। यहाँ बात कलीमुल्लाह की हो रही है, जिन्हें आलूम शरिया से बहरावर फरमाया और ये ख्याल के शायद मुझ जितना इल्म किसी को नहीं आता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा कर इस ख्याल की नफ़ी फरमाई कि बेशक हमने तुम्हें कई इल्म अता किए मगर तुम्हारे इल्म की मिसाल हमारे सामने ऐसी भी नहीं कि जैसे चिड़िया समुंदर से पानी का एक कतरा चूंज में लेकर उड़ रही थी। इस वाक़े में गोया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी नस्बत से ज़्यादा इल्म होने का ख्याल ज़ाहिर और इनकी दानस्त मुवाफिक गलत न था, लेकिन चूँकि हकीकत में सही न था और अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों से बाज़ नहायत मामूली लग्जिशों पर भी गिरफ्त फरमा लेते हैं, इसलिए मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम की इतला व तनबिया और इनके अलूम व कमालात में इजाफे की खातिर कराई गई। इन बातों के अलावा भी अल्लाह ताला सैकड़ों मसलियतें इसमें छुपी होंगी जो हमारी अक्ल व फहम से बालातर हैं। हज़रत खिज़र क्या नबी थे या वली थे, यह बात बिला शक व शुबा कही जा सकती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक नेक बंदे हैं। इख्तलाफ सिर्फ इस बात में है कि वली हैं या नबी। वलायत पर भी सब मुत्तफिक हैं कि इनकी नेकी इस हद को पहुँची थी कि वो वलायत के दर्जे पर फायज हो सकते हैं। हाँ, नबूवत में इख्तलाफ है क्योंकि सराहत के साथ किसी मोतबर ज़रिए से नबूवत साबित नहीं कि जिससे कतई यकीन हो जाए, इसलिए उलमा कराम के अखवाल आपकी वलायत नबूवत में मुख्तलिफ रहे। उलमा की अक्सरियत वैसे इस बात पर मुत्तफिक है कि आप नबी हैं, जबकि कुछ उलमा फरमाते हैं कि आप सिर्फ वलीउल्लाह। नबूवत के सबूत में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत पेश की जाती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं और इनका इनकार नबूवत करने वाले इस मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से नकल करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अब्द सालेह हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत के असबात में बड़ी दलील तालीम मूसा के वाक़े को कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हमारा एक बंदा तुमसे ज़्यादा आलिम है, और जाहिर है कि जो शख्स खुद नबी ना हो वो ऐसे मुकर्रब नबी से ज़्यादा कैसे आलिम हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम के खिज़र अलैहिस्सलाम को तलाश करके पा लेने के बयान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और मूसा और यूशा ने हमारे एक ऐसे ख़ास बंदे को पाया जिसको हमने अपनी तरफ से रहमत और ख़ास इल्म अता फरमाया था, और मखसूस और मनजानब अल्लाह पूरी तरह से इसी इल्म को कह सकते हैं जो आला यकीन तरीके से हो, यानी बज़रिया वही अल अंबिया को अता किया गया हो। मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर इनसे तालीम की दरख्वास्त करना और गायत तज़ीम और शागिरदाना अदब से पेश आना और खिज़र अलैहिस्सलाम से एक किस्म का इस्तग़ना ज़ाहिर होना भी इस पर शायद ही कि खिज़र अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, क्योंकि ऐसे बड़े जलीलुल क़द्र नबी का अपने एक उम्मत से इल्म हासिल करना और नबी और उम्मती में बराकस मामला होना नहायत बईद है। इसके अलावा वो ख़ुद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के काम यानि किश्ती को तोड़ देना और लड़के को कत्ल करना ऐसे हैं जो सिर्फ़ कशफ और इल्हाम की बुनियाद पर कर दिए जाएं, बल्कि इन अमूर के लिए ख़ास तरीका यानि वही का ज़रिया ही ऐसा साफ ज़रिया है जिससे वाज़ह तौर पर मालूम करके फिर ये काम अंजाम दिए जाएँ। और वली को वही नहीं आती, जबकि नबी का ताल्लुक अल्लाह से वही के ज़रिए ही होता है। इससे साबित होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये चैप्टर हम यहीं पर रोकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कहानी जो है ये पसंद आई होगी। ये जो कुरान का वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि
क्योंकि इसके आगे एक बहुत ही इसी कहानी का एक हिस्सा है जो सबसे बेहतर है, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम जो हैं आब हयात का मतलब सही ठिकाना हम कैसे मालूम करेंगे, अगर क्या उस तक पहुंचना इतना आसान है या पहुंच पाएंगे, इसके मुतालिक आगे बहुत से चैप्टर आने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पे अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।